एक्टर बनने से पहले शेफ बनने की चाहत रखते थे न्यूटन, आज मिला स्पेशल मिशन अवार्ड। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव के विषय पर आधारित फिल्म न्यूटन में असिस्टेंट कमांडेंट का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पंकज की फिल्म न्यूटन को भी शामिल किया गया है। 18 साल के फिल्मी करियर में पंकज को यूं ही बॉलीवुड जगत में पहचान नहीं मिली थी। बॉलीवुड में पंकज को जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर पंकज का एक वीडियो उपलब्ध है जिसमें पंकज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पंकज कहते हैं, मुझे पता था कि मेरे पास ऐसी कोई चीज थी कि मैं एकदम बूम कर दूं और मेरी पहचान बन जाए, इसलिए मैंने स्ट्रगल को कभी दिल पर नहीं लिया। पंकज से जब सवाल किया गया कि वे आखिर क्यों बॉलीवुड में ही करियर बनाना चाहते थे, पंकज कहते हैं, मुझे अभिनय के अलावा कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ मैं इसके अलावा खाना बनाना जानता हूँ। मैं एक अच्छा कुक हूँ। मैंने एक समय था जब प्रोफेशनल शेफ बनना चाहता था। मैंने एक होटल में 2 साल काम भी किया है, लेकिन मुझे यह बात अंदर ही अंदर कचोटती थी कि मैं यह काम तो जानता हूँ लेकिन मैं शेफ नहीं बनना चाहता, मैं एक एक्टर ही बनना चाहता था। पंकज कहते हैं, माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए पटना भेजा, लेकिन मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं एक्टर बनना चाहता हूँ। हालांकि मेरे माता पिता ने कभी दबाव नहीं डाला, उन्होंने कहा कि ठीक है करो। स्ट्रगल के दौरान कभी भी मैं घर पर बातें नहीं बताता था कि 1 साल से काम नहीं है या घर पर बैठा हूँ। मेरी पत्नी टीचर थी इसलिए बेसिक चीजें कर लेते थे। वासेपुर की सफलता के बाद अनुराग बासु ने रात को 1 बजे मुझे फोन कर पूछा था कि सर कहां पर हो आप? मैंने कहा घर पर। उन्होंने आ जाओ आपको गले लगाना है, आपने कमाल कर दिया, शुक्रिया आपने मुझ पर विश्वास किया। मैंने उनसे कहा शुक्रिया, तुम मुझे कहना चाहिए कि आपने विश्वास दिखाया। पंकज ने बताया कि वे फिल्म की शूटिंग और रिलीज तक कभी भी अनुराग से मिले नहीं थे। पहली बार उन्होंने 22 जून की रात को ही फोन किया था। बता दें कि पंकज फुकरे, मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मांझी, द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।